हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलोवेरा के बारे में बताती हूँ मैं कि मैं इसके बारे में कितना जानती हूँ। ये मेरे पास एलोवेरा है, ये देखिए, ये कई वैरायटी का मेरे पास एलोवेरा है, ये देखिए, छोटे से बड़े तक एलोवेरा के प्लांट मेरे पास है। इस एलोवेरा के हमें कितने फ़ायदे हैं ये मैं अपना खुद का पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। इससे हम फेस पे भी लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, बाकी हमारी शरीर के लिए इतनी अच्छी दवाई है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसके हमें अगर हम इसके फ़ायदे लें तो हमें बहुत फ़ायदे हैं। ये हमारे हर चीज़ में काम आती है, एसिडिटी बनने में भी ये हमारी मदद करता है। इसका एलोवेरा जेल मिलता है, उसको लीजिए या घर में बना करके इसको लीजिए। ये हमारे लिए माउथ वॉश के लिए भी बहुत बेनिफिट है, किसी को मुंह में छाले हो जाते हैं या कुछ भी है, पेट के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी ये त्वचा के लिए आप सब लोगों को पता ही होगा कितने फ़ायदेमंद है। इसको हमें घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसको मेरे पास ये एक छोटा सा पौधा बंदर ने फाड़ के कहीं से ला के छत पे फेंक दिया था, और मैंने कुछ टाइम पहले इसका एक कई दिन तक पड़ा रहा तो मैंने इसको मिट्टी में ऐसे लगा दिया। इसको कोई खाद पानी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसमें से ये देखिए, हम इसमें 10 दिन 15 दिन पानी नहीं डालेंगे तो भी ये हमारा, इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत है। इसकी खुद की पत्तियों में 85% से भी ज़्यादा पानी इसके अंदर रहता है, बाकी इसमें हम पानी 15 दिन 20 दिन नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ये सूखेगा नहीं। ज़्यादा धूप पड़ती है छत पे मेरी तो थोड़ा सा काला पड़ जाता है, बाकी बाद में जैसे ही बरसात होएगी, मौसम चेंज होएगा, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके हमें दोस्तों इतने फ़ायदे हैं कि हम बता नहीं सकते। इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। इसका मैं अपने पौधों में भी इस्तेमाल करती हूँ, इसको काट करके और इसको साइड से निकाल के इसका जेल बना करके पानी में डाल के मैं छोड़ देती हूँ। फिर मैं पौधों को इसी का पानी उसमें 10 गुना मिला करके पौधों में भी डालती हूँ। ये फंगस नहीं लगने देता है, ग्रोथ के लिए अच्छा है और उसके लिए फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। इसको मैं स्प्रे बोतल में पानी में मिला करके हर पौधे की पत्तियों पे स्प्रे करती हूँ, उसकी पत्तियों में शाइनिंग भी होती है और कीड़ा भी नहीं लगने देती है और फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। बाकी इसके फ़ायदे तो इतने हैं कि हम गिना ही नहीं सकते। इसको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। मैंने एक पौधे से मेरे घर में अब ये 20 से 25 पौधे हो रखे हैं, और ये मेरा ये ही नहीं मेरे पौधों का भी बचाव रखती है। मेरी छत पे बंदर बहुत आते हैं, मैंने इस तरीके से गमले लगा करके सभी में किसी भी कंटेनर में मैं ये लगा देती हूँ। इस तरह से इसमें पफ निकलते हैं तो मैं इसको इस तरह से छोटे बड़े जो भी निकलते हैं वो निकाल के मैं दूसरे कंटेनर में लगा के बड़ा हो जाता है, और फिर मैं अपने पौधों के चारों तरफ लगा देती हूँ तो इसको बंदर भी नहीं छेड़ते हैं क्योंकि इसमें कांटे हैं थोड़ा साइड में। इस करके ये मेरे पौधों की भी रक्षा करता है, हमारी त्वचा की रक्षा करता है, हमारे शरीर की हर चीज़ का हमारा ख्याल रखता है। इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। दोस्तों, इसका मैं एक पौधों के लिए एक टॉनिक स्प्रे भी बनाती हूँ लिक्विड, वो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी। आप इसको अपने घर में ज़रूर लाइए, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं हमारे पूरी छत टेरेस गार्डन के लिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सभी पौधों के लिए काम आएगा, हमारे लिए भी और हमारे गार्डन के लिए भी। इसका टॉनिक बना करके मैं बोतल में भर के रख लेती हूँ, वो मैं इस बार आपके अगली वीडियो में शेयर करूँगी। उसको मैं पानी में मिला करके सभी पौधों पे मैं अपने स्प्रे करती हूँ, उससे पत्तियों में शाइनिंग आती है,
और उनमें कोई कीड़ा नहीं लगता है। उनकी आगे पीछे की पत्तियों में स्प्रे करोगे तो वो उसके लिए, पौधों के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक का भी काम करता है और पौधे हरे भरे भी रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में मैं बताती हूँ इसका टॉनिक कैसे बनाती हूँ।